सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा आज हम मीठे बच्चों को कह रहे हैं, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। तो आज बाबा पूछ रहे हैं, कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? बाबा कहते हैं, अपनी घोट ना अर्थात बुद्धियोग इधर उधर ना भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए के, हीर जन्म मोल था कोड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, यह सब बातें शास्त्र में भी लिखी हुई है। एक दो को समझाते भी हैं, अनेक प्रकार के मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते रहते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है बाप का, इसमें माला सिमरण की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है, तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूरी है तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए ना, मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए। फिर विकार की दृष्टि जा ना सके, एक माता पिता है ना। तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है, जब एक माता पिता के हैं तो भाई बहन हो गए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे अब फिर बने हैं। 84 जन्म का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं। जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है, माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घन देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। हम ब्रह्मा के औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनको भी रचने वाला वो है। बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धियोग टूटा हुआ है, माया घोष्ट बुद्धियोग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धियोग तोड़ती है। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं, यह है ही घोष्ट की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत तक दुख देते हैं। बाबा कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ये गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वो तो एडप्ट करते हैं, सरस्वती भी एडप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडप्ट किया है तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडप्ट कराते जाते हैं, नई सृष्टि द्वारा, बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा रची जाती है नई सृष्टि। समझाने की बहुत युक्तियां चाहिए परंतु पूरा समझते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, बाबा कहते हैं, बार बार कहते हैं, ये जो गीत है इसको जहां तहां बजाओ, ओम नमः शिवाय का। हम मात पिता के बालक कैसे हैं, ये बैठ समझाते हैं। तो बाबा हम बच्चों कहते हैं कि ब्रह्मा को भुजाएं दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। जो भी चित्र निकलते हैं अथवा शास्त्र निकले, ये सब ड्रामा अनुसार ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वो चला आ रहा है। ये राजयुग बाप ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो निशा रहे परंतु बुद्धियोग बाप के साथ चाहिए। बहुतों का बुद्धियोग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं, अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना चाहिए। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक परलौकिक मात पिता का शो करते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न सुलकला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन शिव के महिमा अलग है, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं लेकिन कुछ भी समझते नहीं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं स्वयं को माया घोष से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है, मोहरूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है, कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, समय प्रमाण रूप वसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वश्वासक बाबा। जो स्वश्वासक हैं वो जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे वसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती है रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगा वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि योग लगाना है वहां लग जाए, ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। तो आज की मुरली के अनुसार सोमन लेना है, मैं रूप वसंत ज्ञानी तो आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में 24 घंटा रहना है कि बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।